आज हम लोग देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट के कुछ एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक सम का प्रोग्राम बना के देखेंगे। उसके लिए दो नंबर चाहिए होंगे, तो दो नंबर हम इनपुट करवाएंगे, ए कॉमा बी। आप अगर आपको ऐसे सिंगल इनिशियल इनिशियलाइज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एक बार ए को इनिशियलाइज करेंगे, देन एक बार बी को डिक्लेयर करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, मतलब ए कॉमा बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को स्टोर करवाना है, तो स्टोर करवाने के लिए हमने कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं, हमने पढ़ा था। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हम एक इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं इसीलिए हम परसेंट डी लेंगे, देन कॉमा, किसके एड्रेस पे वैल्यू पुट करवानी है, ए के एड्रेस पे। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ किया है ना कि दोनों को एक साथ डिक्लेयर कर दिया है, हम यहाँ पे स्टोर भी दोनों को साथ में ही कर सकते हैं, बट अभी हम पहले देखते हैं अलग अलग कैसे स्टोर करते हैं। एम परसेंट डी देन एड्रेस बी, ओके। अब हम एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे सी। सी में हम डालेंगे ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू सी में चली गई है, अब हम उसको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं, और प्रिंट जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे सम इज एम्परसेंट डी। ये एम्परसेंट डी क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो सी की वैल्यू है, ये जो सी की वैल्यू है ये इस एम्परसेंट डी में प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे हमें दो वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, एक वैल्यू ए की जो हमने दी है 5, और एक वैल्यू बी की जो कि है 8। तो हमारा जो सम है वो है 13। यहाँ पर इसने सम परफॉर्म किया है क्योंकि यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर दिया है इसको वो है प्लस का। अगर हमें सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना होता तो हम सिंपली यहाँ पर माइनस का साइन लिख देते, और यहाँ पर ये जो आउटपुट देता वो सब्सट्रैक्शन का देता। तो यहाँ पे दो वैल्यू फिर से प्रोवाइड करेंगे हम इसको, और ये डिफरेंस जो है वो आया है हमारे पास 2। ऐसे ही हम मल्टीप्लीकेशन डिविजन भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम था जिससे हम ये समझ सके कि हमें इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे प्रोवाइड करना है। अब एक और चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि ये जो दो वेरिएबल हैं इनको हम एक ही लाइन में इनपुट ले सकते हैं, वो कैसे, ये देखो। जैसे हम 2% डी लिख के आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे 2% डी लिख के इनपुट भी ले सकते हैं। अब जो फर्स्ट परसेंट डी है उसमें तो एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेकिन जो सेकेंड परसेंट डी है उसमें एड्रेस ऑफ बी की वैल्यू स्टोर होगी। तो ऐसे ही प्रिंट एफ में भी होता है। अब देखो मुझे यहाँ पे, मैंने क्या प्रिंट करवा रही हूँ, डिफरेंस प्रिंट करवा रही हूँ ना, और अगर मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू भी प्रिंट करवानी है तो मैं क्या लिखूंगी, हियर ए इज, ए क्या होगा, एम परसेंट डी, क्योंकि जो ए है वो भी हमारा एक इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं कॉमा के बाद लिख दूंगी ए। तो ये जो परसेंट डी है हमारा, इसमें सबसे पहले तो सी की वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि कॉमा के बाद सबसे पहले सी है हमारे पास, और यहाँ पे जो परसेंट डी है सेकंड नंबर पे उसमें ए की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे होगा फर्स्ट परसेंट डी में हमारे एड्रेस ऑफ ए प्रिंट होगा, देन जो सेकेंड परसेंट डी है उसमें एड्रेस ऑफ बी प्रिंट होगा। तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट, और आपको इसको रन करके देखना है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और जो भी बेसिक प्रोग्राम्स हैं जिससे हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, ऐसे ही प्रोग्राम्स हम रन करके देखेंगे और सीखेंगे। आई होप आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।